कोयला जनरेशन इस साल में बढ़ा है पिछले साल से, और कोयला डिस्पैच कोल इंडिया से 53 मिलियन पहली छह महीने में पिछले साल का तुलना में बढ़ोतरी हुआ 53 मिलियन और 20% ग्रोथ में। और जहां सीसीएल के सवाल है, सीसीएल में 6.5 मिलियन का ग्रोथ हुआ और बीसीसीएल में भी 2.5 मिलियन का ग्रोथ हुआ। ग्रोथ के बाद भी अभी डिमांड भी ज्यादा था, अभी कहीं ऑफिशियल कोई ऐसा पावर कट्स पिछले महीने तक कोई चालू नहीं है, बट कोल का स्टॉक्स जो है कई पावर प्लांट में एक दिन से चार दिन मैक्सिमम 4 डेज 3 डेज स्टेप गए, नॉर्मल 7 to 11 डेज का होना चाहिए, तो 5-7 दिन का स्टॉक कम हुआ। मगर अभी बरसात का सीजन खत्म हो गया, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आने वाला समय में जो है जिस प्रकार का लास्ट 4-5 दिन से जो डिस्पैचेस सीसीएल बीसीसीएल एंड कोल इंडिया एज ए होल हो रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि कोई ऐसा संकट में नहीं है और आराम से मतलब जो है डिमांड विल मीट।